और इस वक्त सीधी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के जयपुर प्रदेश मुख्यालय से, जहां पर ऐलान कर दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के नाम पर, राजेंद्र राठौड़ के नाम पर मोहर लगी है। तो उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को बनाया गया है। तमाम लोगों की मौजूदगी में, तमाम सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में यह ऐलान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी भी है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, महामंत्री की मौजूदगी और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी में यह नाम का ऐलान हुआ है। इससे पहले लगातार बैठकों का दौर चला और इस वक्त अब नए नियुक्त किए गए उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, जो कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, हमारे सारे विधायक जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सभी मंचासीन सम्मानित नेतागण, उपस्थित विधायक बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले राजस्थान की राजनीति में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हो, जिनके अच्छे पार्लियामेंटेरियन होने के बारे में सदन में उनकी भूमिका और राजस्थान के जन जन में जो उनकी विधुरता और एक राजनेता के रूप में जो ख्याति है, ऐसे अनुभवी राजनेता को भारतीय जनता पार्टी जैसे विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि समय कम है, लेकिन इस पद की भी अपनी गरिमा है, क्योंकि इस पद को हमारे तपस्वी राजनेता स्वर्गीय भरत सिंह शेखावत जी ने, आदरणीय वसुंधरा जी ने, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ने, उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ इस भूमिका का निर्वहन किया है। इसलिए पार्टी में प्रतिपक्ष का नेता ये अपने आप में ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब 2023 में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से हम प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करने के साथ उनके जो बुनियादी विकास की नीतियां थी, जो वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आज संगठित और एकजुट होकर इसी ऐलान के साथ आई है। आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी के लिए भी तालियां बजा सकते हैं कि हमारे बीच में पधारे। तो हम सब लोग आज इस संकल्प के साथ इकट्ठे हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके साथ पार्टी के अध्यक्ष के नाते में, एक मुख्य कार्यकर्ता के नाते, मेरे जैसे छोटे सामान्य कार्यकर्ता को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुख्य कार्यकर्ता की जिम्मेवारी मिली। हम लोग तीन आयामों पर काम करते हैं, संगठन की एक विशेष रचना के नाते, कोरोना जैसी विभीषिका थी और उसके साथ हम लोग सामाजिक सरोकारों के लिए भी काम करते हैं। मैं मानता हूं कि चुनौती बड़ी थी, लेकिन उस चुनौती के साथ हम सब लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सफल हुए। राजस्थान में सदन में और सदन से बाहर सड़क पर बहुत मुद्दे थे जिन पर अलग जगाने का काम हम सब लोगों ने किया। मैं इस नाते भी इस विधायक दल का आभार व्यक्त करता हूं। हो सकता है कि
मुझसे भी कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि इतने बड़े परिवार में काम करते वक्त बहुत सारी चीजें होती हैं, सबको प्रसन्न रखना, संतुष्ट रखना, ये परिवार के मुखिया के लिए बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे तीन पीढ़ियों के साथ काम करने का अवसर मिला और मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूं कि जो पार्टी ने भूमिका दी थी उसको मैंने ईमानदारी से और परिश्रम से निर्वहन करने का मैंने इस जिम्मेवारी को स्वीकार करके मैं आगे बढ़ा। हमारे यहां अध्यक्ष पद इंस्टीट्यूशनल होता है, संस्थागत होता है, वो न किसी व्यक्ति का होता है न किसी जाति का होता है। और इस अध्यक्ष की परंपरा में श्रीमान जेपी माथुर साहब से लेकर और मुझ तक जो जिम्मेवारियां सबको मिली, उन्होंने इस पार्टी को विराट रूप देने में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सफलता हासिल की है। मैं सीपी जोशी जी को बधाई दूंगा कि उनको एक कार्यकर्ता के नाते यह सौभाग्य मिला। मैं विधायक दल के नाते भी और पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते भी सीपी जोशी जी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब कार्यकर्ता, राजस्थान के लाखों लाखों कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे और राजस्थान में अराजक कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को काबिज करेंगे। हम लोग 24 के लिए भी उतने संकल्पित हैं और इसलिए मैं आभारी हूं। हालांकि लोग कहते हैं इसका उपनेता का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि ईमानदारी और परिश्रम के आगे वो दर्जे कभी मोहताज नहीं होते और इस शब्द में भी कोई करामात होगी जिससे घनश्याम तिवाड़ी जी ने निर्वहन किया, राजेंद्र राठौड़ जी ने निर्वहन किया और राजेंद्र जी राठौड़ की जो एक उत्कंठा थी कि ये उपशब्द अध्याय अक्सर हम मजाक में चर्चा करते थे, तो मुझे लगता है कि उनको उतनी प्रसन्नता होगी। मुझे बताया कि इनके सगाई हो गई थी लेकिन शादी में देरी हुई थी तो दूल्हा का टाइटल मिलने में थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन आज अधिकृत रूप से कुल बेटा और नेता बने तो ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। जो भूमिका पार्टी ने दी है, जिस रूप में दी है, जिस मंतव्य के साथ दी है, इसलिए हमारे यहां तो एक शब्द है संगठन सर्वोपरि। तो संगठन के लिए जिस भूमिका में पार्टी दे, और मैं पहले कह चुका हूं कि मुझे पार्टी यदि झाड़ू पोछे की भी कहे तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। इसलिए मैं आभारी हूं कि मुझे उपनेता के नाते जो सम्मान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्थायी रूप से हमारा सदस्य होता है विधायक दल का। मैं माननीय जी निवेदन करूंगा कि विधायकों को संदेश दें। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से बड़ा निर्णय किया गया है और इस पर मोहर लग गई। आखिरकार राजेंद्र राठौड़ के नाम को लेकर चर्चाएं तेज थी, राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो साथ ही उनके साथ सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आज की इस बैठक में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय विजय राठकर जी, अर्जुन मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, माननीय संगठन महामंत्री जी और यहां उपस्थित सभी विधायकगण, मैं सबसे पहले आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक इस राजस्थान की राजनीति में बहुत मुखरता और प्रखरता के साथ सदन में जिनकी आवाज एक बुलंद आवाज छाई रहती थी, ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। और युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी उपनेता के रूप में आज
चुने जाने पर उनको भी मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं और ये जरूर आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में जो पार्टी के प्रोग्राम है उसमें आपकी सबकी सक्रिय सहभागिता रहे। पार्टी की स्थापना दिवस से लेकर सामाजिक समरसता के पखवाड़े से लेकर पूज्य बाबा साहब के जयंती और मन की बात ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों में आप सबकी एक प्रमुख भूमिका हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह। आप सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सचिन जोशी ने संबोधित किया और सभी का आभार प्रकट किया है। उम्मीद यही है कि पार्टी अब लगातार आगे बढ़ेगी इनके नेतृत्व में और ये उम्मीद तमाम नेताओं की तरफ से इस वक्त दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से इस वक्त और आज जिस नाम को लगातार लेकर के चर्चाएं थी, जिस नाम को लेकर के लगातार उम्मीदें थी, वो आखिरकार अब मंशा कार्यकर्ताओं की पूरी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया। अरुण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी वह कार्य कर रहे थे और चार दशक से अधिक लंबा उनका राजस्थान के कोने कोने में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करने में उनका अनुभव रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, केंद्रीय नेतृत्व में भारत सरकार ने आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी को आसाम का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता का पद रिक्त था। केंद्रीय नेतृत्व ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको जिम्मेदारी दी कि जाकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव वहां कराएं सभी नेताओं से के साथ बैठ करके। और आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस विधायक दल के बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में दो बार मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान विधानसभा में भी अभी विधायक के रूप में जो कार्यरत है, ऐसे हमारे वसुंधरा राजे सिंधिया जी वो इस बैठक में अभी थी, अभी भी हैं। और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के सदस्य आदरणीय सतीश पुनिया जी, हमारे चीफ व्हिप जोगेश्वर गर्ग जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी जी, इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, सहित विजय राजकर जी सहित सभी नेतागण भी थे और विधायकगण थे। सब लोगों ने जब मैंने नाम कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, देश में एक ही ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कोई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। अभी हाल के चुनाव में तीन राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है, आगे भी जो चुनाव होंगे वहां भी सरकार भाजपा की ही बनेगी। इसलिए विधायकों से निवेदन किया कि आप जो विधायक दल का नेता का पद रिक्त है, आप नेता का नाम का प्रस्ताव दीजिए। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अनुसूचित जनजाति समाज से, एसटी समाज से फूल सिंह मीणा जी ने राजेंद्र राठौर जी जो उपनेता के रूप में काम कर रहे थे उनका उन्होंने नाम प्रस्ताव दिया और पार्टी की लोकप्रिय नेता, राजस्थान के कई बार मुख्यमंत्री रहे, ऐसे आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने उनके नाम का अनुमोदन किया। उसके बाद जो अनिता बघेल जी,
मदन दिलावर जी, कन्हैयालाल चौधरी जी, कालीचरण सराफ जी और रामलाल शर्मा जी सहित सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से राजेंद्र राठौड़ जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता राजस्थान असेंबली में, राजस्थान विधानसभा में वह चुना। राजेंद्र राठौड़ जी को मैं ढेर सारी इसलिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और सभी विधायकों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी बैठक में आए और नेता का चयन किए और राजेंद्र राठौड़ जी ने पार्टी के नेताओं से चर्चा करके डॉक्टर सतीश पुनिया जी को उपनेता के रूप में उन्होंने घोषणा की है। मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। अरुण सिंह को सुन रहे थे पार्टी की तरफ से, उन्होंने आभार प्रकट किया है और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर के बधाई दी है राजेंद्र राठौड़ को। उपनेता प्रतिपक्ष पर सतीश पुनिया को मनोनीत किया गया है, बनाया गया है और अब जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उसका प्रमुख बनाया जाना है, उसको लेकर के निगाहें हैं कि आखिरकार वो कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संदेश जरूर देने की कोशिश की गई एकजुटता को लेकर के। वसुंधरा राजे की यहाँ पर मौजूदगी रही तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर आज रही है। 12 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की तरफ से त्यागपत्र दिया गया था, उनको असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद तभी से ये जो सीट थी नेता प्रतिपक्ष की वो खाली थी। इसके नाम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी, आज आखिरकार राजेंद्र राठौड़ के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ओम माथुर और वसुंधरा राजे के साथ ही सतीश पुनिया और उनके ठीक पीछे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके उनके भी पीछे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है इस वक्त भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो कई नाम चर्चा में थे जिसमें राजेंद्र राठौड़ के साथ ही सतीश पुनिया का नाम भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चर्चाओं में था, कालीचरण सराफ को लेकर के, कैलाश मेघवाल को लेकर के चर्चाएं थी। लेकिन पार्टी ने मुहर लगाई